हाँ, तो जब मुझे किसी ने पूछा कि यार ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो यार देखो ऐसा है, जब तुम्हारा क्रश तुम्हें गलती से, ठीक है गलती से छू लेना, चाहे वो नोट्स लेने के बहाने से हो या तुमने यार पेन मांग लिया हो या फिर गलती से जानबूझ के, ठीक है उसे टकरा गए, तो अंदर से एक फीलिंग आता है भाई, पूरा सिस्टम में ना कुछ हलचल मच जाता है। अब वो जो चीज़ है ना, उस समय बदन में एक तरह का करंट दौड़ता है, चार्जेस दौड़ता है, इसी को तो कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, नहीं कहते हैं क्या? हाँ कहते हैं। बट देखो तुम यार सीबीएसई वालों को ऐसा नहीं समझा सकते, तो यार ये रहा तुम्हारा डेफिनेशन जो कि तुम इस्तेमाल करोगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है यार? जो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं ना, फ्लो करते हैं ना, इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आसान था, बट देखो अब यहीं से खेल शुरू होता है। तुम्हें पता ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, और न्यूमेरिकल्स करना है तो फॉर्मूला चाहिए होगा, और फॉर्मूला तुम्हें रटना पड़ता है। बट मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा डेफिनेशन के साथ कि तुम्हें फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला तुम डेफिनेशन से ही निकाल लोगे। अब जैसे इस डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली आई से। उसके बाद यहाँ में इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मैथमेटिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। पता है तुम्हें, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं। और साथ में ये रेट ऑफ फ्लो दिख रहा है तुम्हें, ये है टाइम। ठीक है देखो, तुम्हें यहाँ में तीन चीज़ें मिला, आई टी और क्यू। इससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है जो कि है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चाहिए तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस को टाइम से डिवाइड कर देना है, निकल आएगा। बहुत आसान था। अब देखो और एक चीज़, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की ओर ध्यान नहीं देंगे, हम बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ में हम न्यूमेरिकल्स जितना भी चैप्टर्स के अंदर में दिया हुआ है उसे देखेंगे। तो यार इस वीडियो के लिए बस कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, ठीक है। अब देखो ये जो तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम, इन तीनों को ना मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करते हैं ना, तब हमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है तुम्हारे लिए, बट जब मैथमेटिकली करोगे तब ज़रूरत पड़ता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो जो ऐसा यूनिट है करंट का वो है एम्पियर, और चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, और टाइम का तो तुम्हें पता ही है सेकेंड। अब देखो ये चीज़, तुमने समझ लिया कि करंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है एम्पियर। अब अगर तुम्हें पूछ दे कि वन एम्पियर कैसे बनता है, तो देखो बहुत आसान है। वन एम्पियर करंट बनता है जब वन कॉलम चार्ज एक सेकंड में कोई डिवाइस से हम पास कराते हैं, तब वो होता है वन एम्पियर। बहुत आसान है, जो मैंने बताया इसी चीज़ को तुम मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो तुमने यहाँ तक आने के बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो तो समझ लिया। अब उसके बाद इस चैप्टर के अंदर में दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस टॉपिक को ना मैं नहीं समझा रहा, मैं इस काबिल हूँ ही नहीं, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ। तुम यार जाकिर भाई के मुंह से सुन लो ये बात, वो मुझसे काफ़ी अच्छी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक लड़का तभी सीखता है जब उसकी लाइफ में लड़की आती है। मतलब जितना इवॉल्व एक लड़का अपनी पर्सनैलिटी में लड़की की वजह से होता है, लड़कों की वजह से हो ही नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि प्यार में इंसान अपनी लिमिट पुश करता है। हाँ, तो तुम लोग क्या समझे यहाँ से, लोग पुश करते हैं अपने आप को प्यार में? हाँ करते हैं, स्पेशली हम लड़के तो करते ही है। तो यार हमारी तरह ही ना, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इनके अंदर में जो ये चार्जेस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मूव करते हैं। अब तुमने सोचा ये कैसे मूव करते हैं, कोई इन्हें पुश करता है, तो ये जो पुश करता है ना, यही चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, यानी कि फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। जिसे तुम कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि वर्क डन करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना चार्जेस को, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कहीं कहीं लिखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है जो कि है वोल्टेज, और जो इसका फॉर्मूला है वो तुम्हें डेफिनेशन से ही मिल जाएगा। डेफिनेशन में ध्यान से देखो, वर्क डन जो कि W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चार्ज जो कि Q से रिप्रेजेंट किया जाता है,
इससे तुम्हारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि तुम कह लो वोल्टेज का फॉर्मूला। ठीक है, सब चीज़ें आसपास ही रहते हैं हमारे भाई, बस ध्यान देना होता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये 1 वोल्ट होता क्या है या फिर कैसे बनता है, तो देखो बहुत आसान है। तुम्हें अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो इसके लिए तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा 1 जूल का, जिससे कि तुम जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं ना, 1 कॉलम को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराओगे। देखो यहाँ में 2 चीज़ देखा तुमने, जूल कॉलम। जूल रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन को और कूलम रिप्रेजेंट कर रहा है चार्जेस को। तो ये जो चार्ज है 1 कूलम का, इसे 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके गए 1 जूल का वर्क डन करके, तो इससे हमें मिला 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक मिनट प्लीज़, रुक जाओ। मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें, बट भूल गया मैं। कोई नहीं, अब बता देता हूँ। देखो तुमने 2 चीज़ें पढ़ा अभी, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में तुम्हें एक चीज़ कॉमन दिखा क्या? इन दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रिक चार्जेस का मेंशन है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव होता है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो यह क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इलेक्ट्रिक करंट का या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस का डायरेक्शन को बताओ। तो बहुत आसान है यार। अजीब बहन का लड़ाई है, मुझे मालूम है। अब देखो ये जो चार्जेस के अंदर में नेगेटिव चार्ज है ना, इसे यार इलेक्ट्रॉन कहते थे, ये हमें पता नहीं था। तो हम यार मान के चलते थे कि यार जो चार्जेस होता है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, और क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, तो करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता होगा। ठीक है, बट फिर हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये जो प्रोटॉन है ये तो मूव ही नहीं करता है। तो सवाल उठता है यार, जब ये मूव ही नहीं करता है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कैसे जाता है? तो फिर हमें पता चलता है ये जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाता है करंट के। ठीक है, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है तो प्रोटॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, यानी कि करंट और इलेक्ट्रॉन के बीच ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। दैट्स इट। तो आई गेस अब तुम्हें डायरेक्शन को लेके कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आता है क्वेश्चंस कभी कभी, तो देख लेना। अब आता है इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम्हारा क्रश तुम्हें गलती से या तुम जानबूझ के उसे छू लो, तो सिस्टम में यार एक करंट दौड़ता है हमारे। ठीक है, अंदर से दौड़ता है, सही बात है। अब देखो हमारा बॉडी में दौड़ता है ना करंट, तो ये बॉडी ना एक तरीके से सर्किट की तरह काम करता है। क्योंकि सर्किट क्या है, एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ है जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो करते रहता है। तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा बॉडी जब तुम्हारा क्रश तुम्हें छूता है तो बिल्कुल वो एक सर्किट की तरह काम करता है, जहाँ चार्जेस फ्लो करते रहता है। समझ गए? अब देखो तुम सर्किट क्या होता है वो तो समझ गए। अब सर्किट को जब तुम ड्रॉ करोगे ना, कुछ सिंबल्स का जानना जरूरी है। उन सिंबल्स को देख लो। सबसे पहला है सेल। अब यहाँ ना ये दिखने में कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को दिखाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव सिंबल है ये थोड़ा लंबा होता है और नेगेटिव थोड़ा छोटा होता है। वैसे तो साइज डजन मैटर, बट हाँ फिजिक्स में मैटर करता है। हाँ मैटर करता है, पॉजिटिव थोड़ा बड़ा होता है और नेगेटिव थोड़ा छोटा होता है। तुम समझ रहे हो? और जब ये जो सेल्स है ना, ये एक साथ मिल जाते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसे हम कहते हैं बैटरी। तुमने देखा होगा बैटरी के अंदर में कई सारे सेल्स होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को या फिर बैटरी को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। और तीसरा है स्विच। देखो हमारे पास जो भी सर्किट होता है उस सर्किट को बंद या फिर खोलने के लिए स्विच होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है जब वो बंद होता है। और जब हम सर्किट को खोल देते हैं तो अंदर में एक डॉट डाल देते हैं जिससे कि वो स्विच कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद है वायर्स। तो वायर्स भी 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल वायर होता है लंबा सा, और जब हम वायर्स को जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर बल्ब, बल्ब का तो तुम्हें पता ही है।
फिर है रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए देख लो डायग्राम बस, ठीक है। तो इस रेजिस्टर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट होके फिर वेबीसा होता है फिर स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो रेजिस्टर्स ऐसा तो होता है, फिर अलग एक तरह का होता है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स, या फिर तुम कह सकते हो इसे रियो स्टेट। सेम रेजिस्टर्स जैसा ही दिखता है, बट यह एक छोटा सा डिफरेंस है, ये बीच में एक एरो दिख रहा है ऊपर की ओर जाते हुए। जब ऐसा लग जाता है ना रेजिस्टर्स के ऊपर, इसका मतलब ये नॉर्मल रेजिस्टर्स नहीं है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर, या फिर तुम कह सकते हो ये है रियो स्टेट। अभी ये क्या होता है वो भी आगे देखेंगे हम, अभी के लिए बस सिंबल्स को देखो। उसके बाद है वोल्ट मीटर और आखिरी है एमीटर, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, अगर तुम्हें नापना है ना पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को, तब तुम इस्तेमाल करोगे वोल्ट मीटर का, और अगर तुम्हें नापना है करंट तो तुम इस्तेमाल करोगे एमीटर का। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है यार। हाँ तो अब तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये तो समझ आ गया, बट जो चीज़ तुम्हें आज समझ आया ना, ये चीज़ आज से 200 साल पहले इन 1827 इस महाजन को समझ आया। और भाई साहब जब उसने समझा ना तो उसने इसके ऊपर एक लॉ ही दे दिया। बताओ यार तुम्हें समझ आया था, ठीक है शांत रहो। नहीं हम तो यार लॉ दे के ही मानेंगे और बच्चों का जिंदगी बर्बाद करके ही मानेंगे, तो चलो करते हैं बर्बाद। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। तो चलो यार करते हैं जिंदगी को बर्बाद ओम्स लॉ को पढ़ते हुए। देखो यार ओम्स लॉ कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ओम्स लॉ के अंदर में बताया गया है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के बीच कैसा रिलेशनशिप होगा। बाकी यार देखो ये तो प्रॉब्लमेटिक वाला चीज़ है, यहाँ अपने रिलेशनशिप को ही संभाल नहीं पाते हम, और यहाँ करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप कैसे समझे। क्या बताया यार, तुम लोग का तो फिर भी ठीक ही होता होगा, अपने पे तो यार अब तो रिलेशनशिप में आया ही नहीं कभी। खैर क्या ही करना उससे, हम तो सिंगल लौंडे, दूर रखते ये सब बातें। अपने को तो अब यही रिलेशनशिप समझना है, क्योंकि अपने पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलो यार तो देखो ओम्स लॉ में बताया गया कि करंट और वोल्टेज के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर तुम कोई डिवाइस के अंदर में ना उसका वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी भरेगा वहाँ, और अगर तुम वोल्टेज कमाओगे तो करंट भी कमेगा। ये चीज़ बताया था ओम्स लॉ के अंदर में, ठीक है, कि करंट जो होता है ना एक डिवाइस के अंदर में या सर्किट के अंदर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। और तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, तो बताना ये चाह रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप, समझ गए। हाँ अब क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं शायद ये करंट और वोल्टेज निब्बा निब्बी होते होंगे। हाँ तो जो निब्बी कहेगा और निब्बा को तो मानना पड़ता है ना भाई साहब, तो हमारा वोल्टेज हो गया निब्बी और करंट हो गया निब्बा, तो निब्बी ने कुछ कहा तो निब्बा ने करके दिखा दिया। हाँ तो ये जो है मैथमेटिकली अब बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। करंट रिप्रेजेंट करता है आई से और वी रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो तुम्हें ये सिंबल दिख रहा है ना इसका मतलब है प्रोपोर्शनल यानी कि बराबर इक्वल, समझ रहे हो। बट जब तुम किताब में ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखोगे ना तो वो ऐसा नहीं दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब तुम इतना तो पता है कि I क्या होता है और V क्या होता है, बट ये R कहाँ से आया, ये कहाँ से आया बे, कहीं डैडीज नाजायज औलाद तो नहीं है भाई ये, कुछ ऐसा ही है समझो। देखो तुम्हें पता है एक डिवाइस के अंदर में वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ता है बराबर, बट अब वो जो डिवाइस है वो किसी वायर से कनेक्टेड है ना, बढ़िया। अब देखो वो वायर के अंदर में जो करंट पास करता है ना तो वो डिपेंड करता है कि वायर का मटेरियल कैसा है। जैसे कि देखो कोई वायर्स होता है जैसे कि क्रॉपर का, जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट वहीं पर कुछ ऐसे वायर्स भी होते हैं जो कि अच्छा कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके वजह से एक रेजिस्टेंस बनता है। जब तुम अच्छे वायर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो वहाँ में रुकावट कम होता है यानी कि रेजिस्टेंस कम होता है,
और वहीं पे जो बेकार सा वायर्स होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, वहाँ में जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं तो वहाँ में जो रेजिस्टेंस यानी कि रुकावटें हैं वो ज़्यादा दिखता है हमें, तो यही से आता है आर। तो यार यही था, ठीक है। ओम्स लॉ ने सिंपल सा कहा कि अगर तुम टेम्परेचर को कोई चीज़ का कॉन्स्टेंट रखते हो, बराबर, देखो यहाँ ध्यान देना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखो अगर तुम्हें बोर्ड में मार्क्स चाहिए ना तो वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे उसके बाद सर्किट के अंदर में तुम अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, बट क्योंकि वायर के ऊपर डिपेंड करता है कोई चीज़ इसलिए आर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन बनता है, दैट्स इट। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। अब देखो ऐसा है, आई नो कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या होता है ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, क्या होता है ये, मतलब जल्दीबाजी में मैंने बस बता दिया और तुम्हें समझ कुछ आया नहीं। कोई नहीं यार, हम किस लिए बैठे हैं, एक एक डाउट क्लियर करेंगे तुम्हारा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देखो तुम्हें पता है मैं अभी तक सिंगल हूँ, 21 का हूँ फिर भी सिंगल हूँ, पता है क्यों? एक रीज़न, अपने को ना ये लगता है ना कि किसी लड़की को अगर प्रपोज मार दूँ ना तो मुझे रिजेक्ट ही कर देगा, और भाई साहब इसी डर की वजह से ना आज तक मैंने किसी को प्रपोज किया ही नहीं, ना ऑनलाइन में किसी को किया, ना चिट्ठी लिख के किया, और भाई साहब फेस टू फेस तो भूल ही जाओ बात, ठीक है। तो अपने को एक चीज़ रोक रहा है, वो क्या है, अपना ही डर कि भाई साहब ना हम तो काबिल ही नहीं है, हम क्या ही पटा लेंगे लड़की, ठीक है। तो ये अपना रेजिस्टेंस है, रोक रहा है ये चीज़ हमें। उसी तरीके से ना वायर्स के अंदर में या डिवाइस के अंदर में करंट को फ्लो होने से रोकता है एक चीज़, और वही चीज़ को कहते हैं रेजिस्टेंस। समझ गए, बहुत आसान था, आसान तो होगा ही। अब देखो रेजिस्टेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे तुम ऐसा यूनिट कहते हो वो है ओम्स। ये क्यों ओम्स के नाम से है, क्योंकि ओम्स चचा ने ही इस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें दिया था तो उनके नाम पे ही है, हाँ। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ 1 ओम्स कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट के अंदर में दोहराते हैं तो उससे क्या होता है, 1 एम्पायर करंट दौड़ता है उस सर्किट के अंदर में, और जिससे कि 1 ओम्स रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि तुम सिंबॉलिकली कह सकते हो 1 ओम्स इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पायर, ठीक है। और देखो रेजिस्टेंस के ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसका जो जनरल फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ तुम लोगों को बता रहा हूँ, जितना भी मैंने फॉर्मूला से भी बताया है उन्हें थ्योरी से अलग रखो, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब तुम्हें ना ये फॉर्मूला से हेल्प करेगा। तो अगर तुम फॉर्मूलाज का अलग से बना रहे हो तो अच्छा रहता है। तुम्हें कैसे करना है, बस जैसे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, करंट के बारे में उसका अलग फॉर्मूला है तो उसे लिख लो, करंट बोल के लिख के नीचे में उसका फॉर्मूला, फिर तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखो ऊपर और उसका फॉर्मूला को नीचे लिखो, फिर ओम्स लॉ का अपना फॉर्मूला है उसे भी लिख लो, और अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है उसका भी लिख लो। तब क्या होगा, जब आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं एक चीज़ क्लियर होगा कि देखो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, इतना क्लैरिटी होगा ना तो भाई साहब समझ रहे हो आगे क्या होने वाला है, धमाल। हाँ तो रेजिस्टेंस क्लियर है। अब यार इसके बाद देखो 2 कॉन्सेप्ट एक एक मार्क का पूछा जा सकता है, ये रेजिस्टर्स और रियोस्टेट क्या होता है। पहले बात करते हैं रेजिस्टर्स से। देखो तुम्हें पता है डिवाइस के अंदर में करंट फ्लो होता है, जितना हम वोल्टेज लगाएंगे करंट उतना ही ज़्यादा होगा, इतना पता है। बट देखो हर एक डिवाइस का अपना एक कैपेसिटी होता है, तुम अगर उस डिवाइस में उस कैपेसिटी से ज़्यादा करंट को फ्लो करोगे तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो हम एक डिवाइस के अंदर में कितना करंट पास हो एक लिमिट फिक्स कर सकते हैं एक डिवाइस लगाते हुए, और वो डिवाइस और कुछ नहीं ये रेजिस्टर्स है। हम रेजिस्टर्स को लगाते हैं ताकि जब डिवाइस के अंदर में करंट जाए भाई साहब इतना ही जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ज़्यादा जाओगे तो फिर डिवाइस तो फट ही जाएगा। इसे तुमने देखा होगा जो पहले समय के टीवीज थे या फोन्स था, क्या होता था वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस के वजह से फट जाता था, बट देखो अभी नहीं फटता है क्योंकि हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर लिया उसके ऊपर, ठीक है। फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रियोस्टेट, ये क्या है, ये एक डिवाइस है जिसे तुम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो रेजिस्टेंस को, ठीक है। मतलब यार देखो अगर मान लो तुम्हें कोई डिवाइस के अंदर में करंट को कंट्रोल करना है ज़्यादा कम, ठीक है, फ्लक्चुएट करना है खुद से मैन्युअली, तब तुम क्या करोगे इस रियोस्टेट का इस्तेमाल करोगे, और जब तुम्हें ज़रूरत होगा ज़्यादा करने का तुम ज़्यादा कर लोगे, जब कम होगा कम कर लोगे,
दैट्स कॉल्ड रियो एस्टेट। अब देखो इसके बाद जो अगला टॉपिक है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर में डिपेंड करता है, इसे ना थोड़ी देर के बाद समझते हैं। थोड़ा सा दो तीन कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना रिलेटेड नहीं है, बट तुम्हें जो ये टॉपिक है ना इसे समझाने के लिए वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 2 मिनट लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट आई गेस तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। देखो कोई भी जो चीज़ है ना वो या तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है इंसुलेटर। देखो गुड कंडक्टर यानी वहाँ आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, तो ऐसे चीज़ों में ना रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है क्योंकि वो इजीली करंट पास कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ना के बराबर ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। दूसरा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास तो होता है बट हाँ थोड़ा बहुत रुकावटें होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है बट बहुत ही लिमिटेड होता है। फिर जो तीसरा है इंसुलेटर्स, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता है भाई साहब, जिसका वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये चीज़ क्लियर है। अब एग्जांपल के लिए तुमने यार वायर्स को देखा है, इसके अंदर में जो अंदर वाला पार्ट होता है ना क्या होता है, वो मेटल का बना हुआ होता है, यानी कि वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ऊपर का जो वो रबर वाला वायर होता है ना वो क्या होता है इंसुलेटर होता है। तुम अगर रबर को छू गए तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, बट अगर तुम उस रबर के अंदर में जो मेटल है उसे छू लोगे ना भाई साहब उसके बाद तुम इस दुनिया में तो रह नहीं पाओगे, तुम्हें बस स्वर्ग ही सुधारना पड़ेगा। हाँ तो ये समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो पहला चीज़ देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर में रेजिस्टेंस कितना रहेगा नहीं रहेगा, जो पहला फैक्टर है कि उस कंडक्टर का लेंथ कितना है। अगर कोई कंडक्टर का लेंथ लंबा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर वो कंडक्टर का लेंथ छोटा है तो उसका जो है रेजिस्टेंस भी कम होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है कंडक्टर का एरिया कितना है, यानी कि वो कितना मोटा है या कितना पतला है। देखो जनरली क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर है या कि तुम कंडक्टर ऐसे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है वायर्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो, ठीक है अगर वो चीज़ ना मोटा होता है ना तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है, तो वहाँ रेजिस्टेंस कम रहता है। और वहीं पे अगर वो चीज़ पतला हो थिन हो तब वहाँ में क्या होगा, करंट आसानी से पास नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दैट्स इट। फिर जो तीसरा है नेचर ऑफ है मटेरियल, वो तो मैंने अभी तुम्हें बताया ही है कि अगर कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ में रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर इंसुलेटर है तो वहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यार ख़त्म ये टॉपिक भी फिर। हाँ तो इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वर्ड जिसके नाम से ही ना तुम्हारी गंड मतलब हाँ गाल 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 तुम्हारी गाल लाल हो सकती है। बहुत ही खतरनाक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेजिस्टिविटी। देखो तुम्हें पता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावटें, कैसे तुम एक वायर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हो, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ में देखो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में एक छोटा सा अंतर है। देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ एक वायर या फिर एक डिवाइस के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर रहा था ना तो उसे कितना रोका है तुमने, कितना रेजिस्टेंस दिखाया है, यानी कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ न्यूमेरिकली निकाल के दिखाऊँ मुझे, तब ये कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, कितना रेजिस्टिंग पावर है कोई भी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका जब तुम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर तुम कह लो ऐसा यूनिट है वो है ओम मीटर। और एक चीज़ देखो, रेजिस्टिविटी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितना मोटा है और कितना लंबा है। क्या ऐसे क्या थे गिरो? अबे मैं वायर का बात कर रहा हूँ, कितना मोटा वायर कितना लंबा वायर। साले डर्टी माइंडेड पीपल, कुछ भी मतलब ना, मतलब कुछ भी। सुनो रेजिस्टिविटी में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितना लंबा है और कितना मोटा है वायर का लेंथ या थिकनेस, ठीक है। जबकि रेजिस्टेंस के अंदर में हमने पढ़ा था कि वो कितना लंबा है कितना मोटा है और उसका मटेरियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी के अंदर में सिंपली ये डिपेंड करता है कि कोई भी जो वायर है वो किस क्वालिटी का है, किस मटेरियल से बना हुआ है, दैट्स इट। हाँ तो इसके बाद एक चीज़, अगर तुम्हें एग्ज़ाम में ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ दे कि बताओ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है,
तो तुम ये जो मैंने लिख दिया है यहाँ, मैं तुम आगे देख पा रहे हो इसे लिख देना। हाँ मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वही चीज़ों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी क्या होता है, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, और हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो तुम्हें बता ही दिया है कि रेजिस्टर्स क्या होता है। क्या होता है रेजिस्टर्स? जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है कोई भी डिवाइस के अंदर में, वही तो होता है रेजिस्टर्स। हाँ तो देखो, रेजिस्टर्स को लगाने का दो तरीका होता है कोई भी डिवाइस के अंदर में। या तो हम रेजिस्टर्स को एक के बाद एक सीरीज़ में लगा सकते हैं, या फिर हम उन्हें एक के ऊपर एक करके पैरेलली लगा सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर तुम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाओ, यानी कि एक के बाद एक लगाओ सीधे लाइन पे, तो क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाओ ना एक के बाद एक करके, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। देख रहे हो तुम यहाँ में, R1 है पहला रजिस्टर, R2 दूसरा, और R3 तीसरा, ठीक है। अब जब तुम ऐसे लगाओगे ना इसे, तो करंट जो होगा ना वो पूरे सर्किट के अंदर में कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ में सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा वोल्टेज इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि तीन रेजिस्टर्स है, तो तीनों रेजिस्टर में वोल्टेज अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, जब तुम सीरीज में इसे प्लॉट करोगे तो RS=R1+R2+R3 है। देखो सर्किट के अंदर में तीन रेजिस्टर्स है, इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टर कहते हैं हम उसे RS, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, बट यार देखो कभी कभी क्या होता है, CVC वाले ना ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना इसे इक्वेशन के तौर पे डिराइव करने देते हैं कि बताओ ये जो RS=R1+R2+R3 जो है ये आया कैसे। अब जब तुम इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा नज़र जा रहा होगा V1, V2, V3, ये तीनों ही वोल्टेजेस है अलग अलग, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइनली एक सिंगल वोल्टेज बनता है जिसे हम कहते हैं VS, ठीक है, बराबर। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? IR, हाँ यही तो है, आगे पहले तो याद है कि नहीं है तुम्हें? याद है। अब जहाँ में भी वोल्टेज दिया हुआ है ना, इसे वोल्टेज को हटा के वोल्टेज का जो फॉर्मूला है उसे पुट कर दो, ठीक है। VS के जगह में IRS डाल दो, V1 के जगह में IR1, V2 के जगह में IR2, V3 के जगह में IR3। ये तुम्हारा काज आया, ब्रैकेट में लिख लेना, ये आया है ओम्स लॉ से, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये ओम्स लॉ है, ठीक है, बराबर। अब देखो इसमें से ना अभी क्या करो, I को कॉमन ले लो, ले लिया, क्योंकि देखो सब में आई तो है बट आर कॉमन नहीं है, क्योंकि R1 है, R2 है, R3 है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो आई को कॉमन ले लो और फिर R को अलग से रख लो, तो आई को कॉमन ले लो, और देखो कॉमन लेने के बाद इधर में आई और इधर में आई दोनों कट जाएगा। अब देखो ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन हमें बनाना था वो आ चुका है, तो बहुत आसान है भाई। हम क्या करेंगे, पहले ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। हमें वोल्टेज लेना है, वोल्टेज से फिर वोल्टेज का फॉर्मूला डालना है जो कि ओम्स लॉ से आता है, और फिर हमें कुछ डिडक्शन करना है। क्या डिडक्शन करना है? हमें आई यानी कि करंट को माइनस कर देना है कॉमन लेते हुए, मेरा इक्वेशन ईजीली आ जाएगा, कुछ नहीं करने जैसा, आसान था। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं तुमसे कहूँगा कि रिवाइंड करके थोड़ा देख लो। अब बढ़ते हम, अगर तुम रेजिस्टर्स को पैरेलली लगाओ तो क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है, देखो पैरेलली इन द सेंस क्या, एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, बहुत आसान है। देखो जब तुम इस तरीके से कोई डायग्राम बनाओगे या फिर एक सर्किट बनाओगे ना, तो यहाँ में ना वोल्टेज क्या होगा पूरे सर्किट के अंदर में बराबर रहेगा। ध्यान दो, जब तुम सीरीज में लगाते थे तब करंट कांस्टेंट रहता था, बट जब तुम लगाओगे पैरेलली तब वोल्टेज बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ में चेंज होगा करंट, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, 1/RP, पी इन द सेंस पैरेलल, ठीक है। तो 1/RP से क्या बनता है, 1/R1+1/R2+1/R3, ठीक है। तीन रेजिस्टर्स है,
तो तीनों को कंबाइन करके बनता है 1/RP, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि हमने पहले भी एक इक्वेशन डिराइव किया था कि ये जो भी ये जनरल फॉर्मूला है ना, ये आया कैसे, तो फिर से करते हैं। जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल लगाएंगे तब कैसा इक्वेशन बनेगा, बहुत आसान है। देखो जब हमने सीरीज में लिया था तब हमने वोल्टेज को लिया था। वोल्टेज को इसलिए लिया था क्योंकि वोल्टेज वहाँ में चेंज हो रहा था, करंट कांस्टेंट था, बट हम यहाँ में वोल्टेज नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ में करंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ में हम फॉर्मूला में सबसे पहले लेंगे करंट। तो करंट में IP इक्वल्स टू I1 + I2 + I3, ये है। फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। हमें पता है ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR होता है। तो अगर तुम्हें I निकालना है तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, V/R, ठीक है। तो जब तुम कर लोगे इसे तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, V/RP = V/R1 + V/R2 + V/R3, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये आया ओम्स लॉ से, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद। अब आगे क्या करना है तुम्हें पता है पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, यानी कि बराबर होता है। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे जितना भी वोल्टेज का वैल्यू है वो 1 होगा, तो सबके ऊपर हम वी हटाकर 1111 डाल देंगे। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, या फिर तुम कह लो जनरल इक्वेशन, बहुत आसान है। हाँ, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। टॉपिक बताने का कोशिश ये कर रहा है कि करंट की वजह से कैसे डिवाइसेस के अंदर में हीट जनरेट होता है, ठीक है। डिटेल में समझते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट कोई भी डिवाइस के अंदर से पास कर रहा होता है और अगर वो डिवाइस के अंदर में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तब क्या होगा, वहाँ हीट जनरेट होगा, एंड दैट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इतना आसान था, देख रहे हो। बट देखो, जब तुम्हें लगे ना लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सब चीज़ें यार स्मूथली चल रहा है, तब कोई बहन का लोहरा आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में लोहरे लगा के जाएगा। और भाई साहब, ये फिजिक्स में यही हो रहा है। ये जनाब आता है और कहता है, देखो ये जो तुमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को इतने आसानी से बताया ना, इसे मैथमेटिकली कैसे बताओगे तुम? मेरा लॉ ले लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसे तुम मैथमेटिकली बता पाओगे? कैलाम मॉकेल, बात बात में यहाँ में न्यूमेरिकल्स, मैं जा रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है। बोका चौदह बिला कैला बाल ओकुमान पसत पसत न्यूमेरिकल्स लो आए मोए नो करो चल। अरे अरे बीवी तुम, अरे क्या क्या हुआ, क्या है भाई, हम ऑफेंड नहीं हो रहे, तुम क्यों हो रहे हो? अरे आ जाओ यार, देखो 100 के करवा देंगे तुम्हारा, हम पक्का प्रॉमिस कर रहे, आ जाओ आ जाओ। सच में 100 के करवा दोगे? अरे हाँ बीवी, करवा देंगे, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है फिर आ रहा हूँ मैं। चलो प्लीज़, हाँ 100 के करवा दो, प्लीज़ प्लीज़, हाँ प्लीज़ जल्दी, हाँ बहुत एक्साइटमेंट है। चलो तो पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। देखो इस लॉ के अंदर में सिंपली ये कहा गया कि कोई भी डिवाइस के अंदर में हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, 3 कारणों के वजह से। उस डिवाइस के अंदर में करंट कितना है, उस डिवाइस के अंदर में रेजिस्टेंस कितना है, और टाइम कितना लग रहा है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और जितना समय तक तुम करंट को वहाँ से पास करोगे उतना ज़्यादा ही हीट जनरेट होगा। तुमने देखा होगा जब हम फ़ोन को बहुत देर तक यूज़ करते हैं तब वो गर्म हो जाता है, तो ये टाइम वाला फैक्टर है, और रेजिस्टेंस और करंट वाला तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब जब तुम इसका फॉर्मूला देखोगे तो कुछ ऐसा है, H = I²RT। अब देखो I का मतलब तो करंट है, R का मतलब रेजिस्टेंस है, और T का मतलब टाइम है। अब यार प्लीज़ मुझसे ये मत पूछना कि यार ये I² क्या है, मुझे नहीं पता यार। मैंने ना लॉजिक का क्या किया, बत्ती बनाया और फिर अपने ही अंदर डाल लिया, तो मुझे नहीं पता, आगे बढ़ते। अब देखो
मैंने तुम्हें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता बताया, उसे मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाता है वो भी बताया, उसका फॉर्मूला भी बताया, अब प्रैक्टिकली उसे कैसे अप्लाई करोगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ना, तो दो डिवाइस है, एक है बल्ब और दूसरा है फ्यूज़। देखते हैं इन दोनों डिवाइस के अंदर में हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। पहले बात करते हैं बल्ब से। देखो, जब तुम बल्ब को ध्यान से देखोगे अंदर पे, तो एक छोटा सा वायर होता है, वो क्या से बना हुआ है? टंगस्टन। अब देखो, टंगस्टन के अंदर में खासियत यह है कि इसके अंदर में रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो, इन दोनों खास चीज़ों की वजह से ये दो चीज़ कर पाता है, हीट जनरेट कर पाता है और लाइट जनरेट कर पाता है, और इसीलिए तो बल्ब ग्लो करता है। दैट्स इट। फिर बढ़ता है फ्यूज़ के ऊपर। अब देखो, फ्यूज़ का तो क्या ही बताएं, खुद हमारा फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो तुम्हें क्या बताएं फ्यूज़ के बारे में? बस इतना समझ लो, अगर इतना बड़ा चैप्टर को मैं बस तुम्हें ऐसे ही बिना जोक्स, बिना किसी चीज़ के बस पढ़ाता रहता ना, तो तुम्हारा दिमाग में शॉर्ट सर्किट होना तो पक्का था। बट एक चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने से रोक रहा है, वो है मेरा डबल मीनिंग वाला जोक्स, आई गेस, जो कि काम कर रहा है एज ए फ्यूज़। जब भी तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है, तो मैं फ्यूज़ की तरह फट जाता हूँ और तुम्हारा दिमाग को ठंडा कर देता हूँ, आई गेस ऐसा ही होता होगा। तो देखो, फ्यूज़ भी कुछ इस तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में फ्यूज़ फिट करता है ताकि वो डिवाइस के अंदर में शॉर्ट सर्किट ना हो। दैट्स इट। देखो, डिवाइस के अंदर में एक छोटा सा वायर फिट करते हैं हम, जो कि बना हुआ होता है कम्बिनेशन से, एलॉय है ये, तो आयरन, क्रॉपर और बहुत ज़्यादा चीज़ से बना हुआ होता है। अब इस वायर की खासियत ये है कि इस वायर के अंदर में रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, बट मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अब यही चीज़ इसको फ़ायदा देता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जब भी डिवाइस के अंदर में टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू चेंज इन द वोल्टेज, तब क्या होता है, ये जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाता है। तो जब ये मेल्ट हो जाता है, तो पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है और तुम्हारा डिवाइस जो है वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। देख रहे हो कितना आसान है? तो यही है फ्यूज़ का काम, तुम्हारा डिवाइस को शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। ये क्यों रोक पाता है? क्योंकि जो फ्यूज़ होता है वो बना हुआ होता है कुछ इस तरीके के मेटल से, जिसके अंदर में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो जैसे ही हीट बढ़ता है, वो मेल्ट हो जाता है और पूरे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। दैट्स इट। अब देखो, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? बहुत आसान है यार। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो डिवाइसेस कितने समय पे कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ये जानने को ही कहता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हर डिवाइस का अपना अपना पावर होता है। जैसे देखो, मेरा फ़ोन का पावर कितना है, ये मुश्किल से 3 घंटा चल पाता है, उसके बाद भाई साहब डाउन और पबजी खेल नहीं पाते हम, 3 घंटा का कैपेसिटी है इसका। तो इसका जो इलेक्ट्रिक पावर है वो है 3 आवर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वाट है और क्या होगा? तो अगर तुम्हें सवाल आ गया कि 1 वाट कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, 2 चीज़ चाहिए, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कैसे, अगर तुम कोई भी डिवाइस या सर्किट के अंदर में 1 एम्पायर करंट दोहराते हो और साथ ही साथ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाते हो ना, तब तुम्हारे पास आएगा 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर। बराबर। अब इसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक पावर का ना फॉर्मूला क्या है हमने पढ़ा। देखो, तुम्हें पता है फिजिक्स का आदत है, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसके ऊपर तुम्हें मिल जाएगा अपना एक फॉर्मूला। बट देखो, दुख की बात यह है, ये जो एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, इसमें ना 3 फॉर्मूलास है। अलग अलग क्वेश्चन पे तुम अलग अलग फॉर्मूलास इस्तेमाल करोगे। पहला फॉर्मूला है P=VI, दूसरा फॉर्मूला है P=V²R, और तीसरा फॉर्मूला है P=V²/R। देख रहे हो? अब देखो, ये 3 फॉर्मूलास है, इन 3 फॉर्मूलास को हम अलग अलग क्वेश्चंस पे इस्तेमाल करेंगे। सपोज देखो, कोई क्वेश्चन है जहाँ तुम्हें बताया गया है कि वोल्टेज और करंट के बीच कैसा रिलेशन है, तब तुम पहला फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। फिर अगर तुम्हें पूछ दिया नहीं करंट और रेजिस्टेंस के बीच कैसा है, तब तुम दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। और आखिर अगर तुम्हें पूछ दे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच कैसा सब सीन चल रहा है, तब तुम तीसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। तो डिफरेंट फॉर्मूलास यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे, जो कि हम न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो पे देखेंगे। आई गेस हाँ, चैप्टर ख़त्म हो चुका है लगभग। बट देखो, एक चीज़ है,
मैंने बताया तुम्हें कि इलेक्ट्रिक पावर को मेज़र किया जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसका वो है वाट। बट देखो कॉमनली ना हम वाट को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत ही छोटा यूनिट है, तो हम ना एक बड़ा यूनिट लेते हैं जिसे हम कहते हैं 1 किलोवाट। वो कितना होता है? वो होता है 1000 वाट को मिलके होता है 1 किलोवाट। ठीक है, तो तुम जब अलग अलग डिवाइस के अंदर में देखोगे तो वहाँ अलग अलग किलोवाट देखने मिलता है। और इसे थोड़ा आगे चले जाओ, जो बिजली विभाग से जो तुम्हारे घर पे बिजली आता है ना, वो कैसे मेजर किया जाता है? तो वो भी किलोवाट पे ही देखा जाता है, बट वो घंटे के हिसाब से होता है। तो तुम कह सकते हो जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो है किलोवाट आवर। ठीक है, हाँ यही है। तो तुम कह सकते हो तुम्हारे घर में जो बिजली आता है अगर तुम्हें उसे मेजरमेंट करना है, यानी कि उसके कॉमर्शियल यूनिट निकालना है ना, तो तुम्हें क्या करना है? किलोवाट आवर के हिसाब से निकालोगे। तो तुम्हें यहाँ पे मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि तुम अपने एरिया पे जाके पता करोगे, किसी से भी पूछ लेना कि 1 यूनिट बिजली का तुम्हारे यहाँ कितना चार्ज किया जा रहा है। कर लोगे आई गेस, इतना तो कर ही सकते हो। तो ठीक है यार, वीडियो होता है ख़त्म। आई गेस काफ़ी लंबा था ये वीडियो और तुम बोर तो हो ही गए होगे। हाँ देख के लग रहा है तुम लोगों का शक्ल। चलो यार ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, 100K करवा दो ना प्लीज़ यार, करवा दो। देखो सपना तो नहीं था मेरा ये, मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं कभी 10K कर पाऊँगा, बट हाँ तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से ही 50K हुआ है। और सपना नहीं कहूँगा बट हाँ चाहत है कि काश 100K भी हो जाए, अच्छा लगेगा यार दिल को, एक तरीके का अप्रिसिएशन मिलेगा मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो यार सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जल्दी से यार 100K कर दो प्लीज़। थैंक यू, लव यू ऑल।